समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह के पार्टी कार्यालय बेतिहाता पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बहरामपुर निवासी छात्रा संध्या साहनी को साइकिल व नगद धनराशि से सम्मानित किया। आपको बता दें कि संध्या साहनी का घर बाढ़ आने की वजह से पूरी तरह से डूब गया था और संध्या साहनी खुद नाव चलाकर विद्यालय पढ़ने के लिए जा रही थी। वह एडी इंटर कॉलेज के 11 की छात्रा हैं, जिसको देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने संध्या साहनी के घर पहुंचकर पुरस्कार से सम्मानित किया था, जिसके संबंध में सपा की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने बताया कि देश में डीजल पेट्रोल ही नहीं रसोई गैस की महंगाई से जनता तबाह है, जिससे जनता को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि संध्या जैसी बेटी पर सबको गर्व है, पार्टी संध्या के साथ है और संध्या की पढ़ाई लिखाई में सपा हर संभव मदद करेगी। इस अवसर पर सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी, अखिलेश यादव, राजमती निषाद, अवधेश यादव, रजनीश यादव, विजय बहादुर यादव, अमरेंद्र निषाद, सिंहासन यादव, राजकुमारी देवी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने कहा, सारे हमारे मीडिया के बंधुओं ने लिखा था कि गोरखपुर में इतना पानी भरा है, यहाँ आना हो तो नाव को लेकर आए, तो नाव से हम आए हैं, चलेंगे। मुख्यमंत्री का क्षेत्र से बाढ़ आई हुई है और सड़कें तो है नहीं, तो आप अनुरोध पर आपके दिशा निर्देश पर समाजवादी पार्टी नाव से भयंकर समस्या है। कॉलोनियों में पहली बार पानी घुस गया है और विधायक यहाँ पानी घुस गया है। शासन प्रशासन सरकार सब बेखबर है, क्योंकि उनको जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। पानी घुसने से बाढ़ आने से सांसद कहाँ है, मुख्यमंत्री वर्चुअल कर रहे होंगे, तो इस तरह की प्रशासन से बहुत ही शिकायत है जनता को और हम आंदोलन करेंगे, कर रहे हैं। संध्या जी, वो ऐसी कन्या है, ब्राइट कन्या, जिनको नाव से स्कूल जा रहा है इस बाढ़ में, और इस बाढ़ में अगर वो जा रही है समाजवादी पार्टी करिए, हम बहुत सपोर्ट करते हैं। और आगे मुझे आशा है, उन्होंने बताया कि वो रेलवे अफसर बनना चाहता है। अच्छा लगा यार, अभी ये साइकिल धरातल पे संध्या को जो भी मदद चाहिए पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने के लिए, समाजवादी पार्टी, हम व्यक्तिगत और हमारी पूरी पार्टी जिम्मेदार यहाँ बैठी है, हम करेंगे।